हेलो, वेलकम टू माय न्यू बुडी गॉइड। तो आज किस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, एनएचपीसी की तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है उनका अभी फॉर्म फिलअप 30 जून तक चलेगा। तो मैं आज किस वीडियो में बताऊंगा एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, एंड कौन सा जो एक्स्ट्रा सिलेबस। तो अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिए हो तो आपको पता है कि क्या क्या सिलेबस एंड क्या कैसे आता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो में अंत बने रहना। एंड मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करूँ सिलेबस आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है वो मैं बता देता हूँ। आप लोग को सिलेबस कहाँ मिलेगा ये बता देता हूँ। यहाँ से आपको ऑफिशियल पेज पर है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपको सिलेबस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जितने भी है, आप लोग चाहे आईटीआई वाले हो या फिर डिप्लोमा वाले हो या फिर देखो कौन कौन सा सिलेबस यहाँ पर है। ये सिलेबस ड्राफ्ट मैन वालों का है, मतलब इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर वालों का भी है, फिर सुपरवाइजर आईटी वालों का, सर्वेयर वालों का, फिर अकाउंटेंट सीनियर अकाउंटेंट का है, फिर जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट का है, देखो फिर हिंदी ट्रांसलेट का है, ड्राफ्ट मैन सिविल सब का है। ये सिलेबस है, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, चाहे आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट बात करूँ आपको, मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न जो भी है ना वो एक्स्ट्रा क्या ऐड किया हुआ है, वो एक्स्ट्रा क्या ऐड किया हुआ है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर तो ये चीज़ें आपको दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन में मेंशन है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों पे होगा। जैसे कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हुए हो, मतलब सीबीटी टेस्ट दिए हुए हैं, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन 3 घंटा का रहेगा, 180 मिनट का, एंड 200 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर देखो जूनियर इंजीनियर या फिर आईटीआई वालों का एंड सुपरवाइजर वालों का, देखो यहाँ पर पैटर्न किस तरह का। पार्ट वन में आपको 140 मार्क्स का रहेगा, वो आपका डिसिप्लिन से, मतलब कि अगर आप मैकेनिकल हो तो मैकेनिकल, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पे देखोगे तो वहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग का 30 क्वेश्चन दिया था, मतलब कि 140 में से 30 मार्क्स जो है जनरल इंजीनियरिंग से पूछा था, मतलब कि 110 मार्क्स का आपका मैकेनिकल ब्रांच या इलेक्ट्रिकल अपने ब्रांच का रहेगा, एंड जो भी 30 मार्क्स वो जनरल इंजीनियरिंग, मतलब कि आपका सिविल भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों का मिक्स करके ऐसा पूछता है, ये दिया था प्रीवियस ईयर। एंड पार्ट टू जो है वो कंसिस्ट करेगा वो जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स का, एंड रीजनिंग से 30 मार्क्स का, ये आप लोग देख लो। एंड जो ये हिंदी ट्रांसलेटर का भी है, तो यहाँ पर देखो। फिर नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग एंड 1 मार्क्स रहेगा करेक्ट आंसर पे। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। एंड जो मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम डेट की, तो प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर में जो भी आया हुआ था वो जनवरी में आपका नोटिफिकेशन लास्ट में आया था, एंड फरवरी तक चला था फॉर्म फिलअप का डेट। एंड मैं बात करूं एग्ज़ाम उसके बाद फिर मार्च मार्च के लास्ट तक आपका जो भी है वो एडमिट कार्ड आ गया था, एंड अप्रैल में 4-5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम था ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कितने दिन बाद आया, मतलब कि फरवरी में आपका फॉर्म फिलअप था, मार्च अप्रैल, मतलब कि 1.5 मंथ बोल सकते हैं, 1.5 से 2 मंथ का आप लोग यहाँ ड्यूरेशन रख सकते हैं। 1.5 से 2 मंथ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो गया था प्रीवियस ईयर, मतलब कि 1.5 मंथ में हो गया था एग्ज़ाम। तो इस बार भी आपका 2 मंथ ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, मतलब कि अगर मैं इस बार बात करूँ तो 30 जून तक चल रहा है एग्ज़ाम, सॉरी फॉर्म फिलअप का डेट है तो 30 जून तक। तो आप लोग जुलाई अगस्त अगस्त के एंड में अगस्त के एंड तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, वरना सितंबर फर्स्ट वीक तो ओबियसली हो ही जाएगा। तो आप लोग मान के चलो कि अभी और 2 मंथ नहीं 1.5 मंथ का अभी टाइम है आपका, अगस्त लास्ट तक आपका हो जाने को है। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन को स्पीड बढ़ाइए, एंड हो
हाँ, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड लाइक तो कर देना यार, आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।